हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिवाइन प्रोटेक्शन के बारे में। जितने भी लोग इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, उन सभी का अल्टीमेट गोल ये है कि भाई हम किसी दिन तो है ना अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएं। हर कोई अपने सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकूं, इंसानियत के लिए कुछ कर सकूं। हर कोई सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश करे, बट सोल पर्पस का अपना एक समय होता है, ठीक है। हर बंदा जो इस जर्नी में है उसका अपना एक समय है कि किस वक्त जाके वो इस कार्य को फुल फ्लेजेंट करेगा। सोल पर्पस तक पहुंचने मतलब कि आप लाइट में पहुंच गए हो बेसिकली, है ना। सो ये जर्नी जो है बेसिकली डार्कनेस से लाइट में जाने की जर्नी है। लाइट तक पहुंचने और अपने सोल पर्पस को करने से पहले डार्कनेस के फेस को अनुभव करना होगा, और डार्कनेस का जो फेस है उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। वहाँ अग्नि है, वहाँ नरक जैसा जीवन है, और उस नरक जैसे जीवन को, उस अग्नि को, उस मृत्यु तुल्य कष्ट को अनुभव करना होगा। और जब पर्सन उस चीज़ से अच्छे से बाहर आएगा, बिना किसी को नुकसान करे और खुद के हर शैडो पे, हर शैडो साइड को साइड करके या हर शैडो पे वर्क करके, धीरे धीरे जैसे वो उससे ऊपर उठेगा, तो वो उजाले को यानी कि ज्ञान को यानी कि को अनुभव करेगा। उसके आंखों पे जो धुंध लगी हुई थी वो साफ होगी और वो अनुभव करेगा किसको? प्रकाश को यानी कि ज्ञान को। वो ज्ञान जो उसे प्राप्त होगा उसके बेसिस पर फिर उसका सोल पर्पस स्टार्ट होगा। अब जब वो सोल पर्पस को करेगा तो एक चीज़ उसे गॉड गिफ्टेड मिलेगी और वो है डिवाइन प्रोटेक्शन। उस व्यक्ति को जो सोल पर्पस तक पहुँच गया है, जो डार्कनेस के फेस से ऊपर उठ गया है, भगवान उसको एक चीज़ ज़रूर देंगे और वो है डिवाइन प्रोटेक्शन। जब वो अपने उस कार्य को करेगा तो उस टाइम पीरियड में डेफिनेटली वो किसी ऐसे कार्य से जुड़ा होगा जो लोगों को कहीं ना कहीं मदद करता हो। जैसे हो सकता है वो बहुत अच्छा डॉक्टर हो या बहुत अच्छा हीलर हो, या कहीं ना कहीं वो लोगों को, या बहुत अच्छा स्पिरिचुअल गुरु हो, गाइड हो, काउंसलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो। ये प्रोफेशन कैसे होते हैं, इनमें ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नेगेटिव हैं, बट उस व्यक्ति पे इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पूरी डिवाइन की प्रोटेक्शन होगी। तो कोई भी इंसान कैसी भी नेगेटिविटी के साथ उसकी तरफ आ रहा है, उसकी नेगेटिविटी इसको अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो प्रोटेक्शन जो डिवाइन की, वो है जो है वो हमेशा उस इंसान के साथ रहेगी। अब जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को आप देखो कैसे कैसे केसेस आते हैं उनके पास, लेकिन डॉक्टर्स बहुत आराम से उस चीज़ को करते हैं, उस इंसान को बचाते हैं, और डॉक्टर्स के ऊपर कोई अटैक नहीं होते, ठीक है, कोई अटैक नहीं होते। फिर वो दूसरा केस हैंडल करते हैं, तीसरा केस, और करते रहते हैं अपने काम को। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन होती है। जितने भी हीलर्स होते हैं ना, और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, सब भगवान के, कहते हैं ना, भगवान के ये क्या दूत हैं, हीलर्स एंड डॉक्टर्स। इवन जो जो पंडितों को भी यही कहा जाता है, ये सब भगवान के जो हैं दूत हैं। तो इनकी कुंडलियों में ना, हमारे पूरी कुंडली में एक स्पेशल हाउस होता है जहाँ पे कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा हो, स्पेशली जुपिटर बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, बिकॉज बृहस्पति सबसे सात्विक प्लैनेट है, ज्ञान है, लाइट है, तो उस हाउस में अगर बृहस्पति बैठा हो, कौन से हाउस में? एयर्स हाउस में। अगर एयर्स हाउस इज अ हाउस ऑफ तंत्रा, रिसर्च, हीलिंग, सडन इवेंट्स, इस हाउस में जब बृहस्पति बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है। बृहस्पति बेसिकली या तो अपनी खुद की राशि में हो, या तो मंगल या फिर सूर्य की राशि में हो, तब उस बंदे को, उस पर्सन को अपने सोल पर्पस को करते वक्त जो है पूरी तरीके से डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है। एंजल्स जो हैं हमेशा उसके सराउंडिंग में रहते हैं और सारी नेगेटिव एंटिटीज से लड़ते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो जब आप में से कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में, जब उसका समय होगा सोल पर्पस को करने का, जब अपने कार्य तक पहुंचेगा, तो आप देखना, अनुभव करना कि आपको एक प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी। आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, और कोई अटैक कर भी रहा है तो जो आपके साथ जुड़े हुए एंजल्स हैं वो उससे निपटाएंगे उसको। जुपिटर के अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है। जुपिटर के बारे में तो खैर सभी जानते हैं कि जुपिटर अगर एट्थ हाउस में हो अपनी खुद की राशि में, या फिर सूर्य या फिर मंगल में की राशि में, यानी कि मेष में या फिर सिंह राशि में अगर बृहस्पति हो एट हाउस में, तो कहते हैं ऐसे बंदे को अगर आप जंगल में भी छोड़ा हो ना, अंधेरे में
भी छोड़ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको वापस लेके आते हैं, उसको बचा के लेके आते हैं। तो ऐसे बंदे के साथ ये बंदा, ऐसे लोग पहले से लिखवा के लाए हैं कि इस समय पर हमने ये करना है, और उस कार्य को करते वक्त उसको कोई भी अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको पूरी तरीके से डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है। तो जितने भी लोग आप इस जर्नी में हो, ये तो आप समझ लो कि अगर आप इस डार्कनेस के फेस से एक बार निकल गए, बच गए, तो खुद पे काम करना होगा, तभी निकल पाओगे इससे। हालांकि सभी नहीं बच पाते, कई लोग इस डार्कनेस के फेस में इतने कर्मा क्रिएट कर लेते हैं और इस डार्कनेस में और नीचे चले जाते हैं। बट जो बच जाते हैं, वो जैसे ही ऊपर की तरफ आते हैं, लाइट में आते हैं, उनको वो डिवाइन प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। कोई साइकिक अटैक नहीं होता, कोई वहम नहीं होता, कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, और वो अपने कार्य को अच्छे से करते हैं। अब मैंने देखा है कि केतु भी जब एर्थ हाउस में होता है, तब भी वो बंदा बहुत अच्छा हीलर होता है, बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। एर्थ हाउस है ही डॉक्टर्स का हाउस, रिसर्चर्स का हाउस, साइंटिस्टों का हाउस। इस हाउस को बहुत सारे लोग मृत्यु का हाउस भी कहते हैं, बहुत से लोग आयु का हाउस भी कहते हैं। मृत्यु का हाउस उनके लिए हो जाता है ये, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं उनके लिए ये हाउस मृत्यु में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सही जा रहे हैं, वो लोग अपने सोल पर्पस को ज़रूर करते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि सोल पर्पस का अपना एक समय है, उसको ज़बरदस्ती झपट्टा नहीं मारना है। जब उसका समय होगा तो आप खुद ही देखोगे कि आप ज्ञान के प्रकाश में हो, और उस ज्ञान के लिए आपको दर दर नहीं भटकना पड़ रहा, कोई कोर्स नहीं करना पड़ रहा, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप डाउनलोड होगा, वो अपने आप पहुँचेगा, और आप उस कार्य को करोगे अच्छे से। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक हैं कोई, वो मेरे पास आई और उन्होंने क्या किया कि एक दो सप्ताह से हीलिंग, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया, अधूरे ज्ञान के साथ अपना स्टार्ट कर दिया। अब ना उनके पास डिवाइन प्रोटेक्शन, ना अभी उनका सोल पर्पस का टाइम है ना। तो क्या हुआ, जिनके उन्होंने ये सब चीज़ें करी, उनके साथ जो नेगेटिव एंटिटीज थी, उन्होंने इनके ऊपर इतना ज़्यादा अटैक कर दिया कि इनको सुसाइडल थाट्स आने लग गए, मरने के ख्याल आ रहे हैं, सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं, प्लस नौकरी भी चली गई। तभी भाग के मेरे पास आई कि उर्वशी, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं भी तो वही कर रही हूँ जो तुम कर रही थी। तो मुझे तो समझ आया, अधूरे ज्ञान के साथ आप ऐसी चीज़ें करोगे तो कष्ट तो मिलेगा ही, और इस तरीके के अटैक होंगे ही नहीं, प्लस सोल पर्पस का भी समय है ही नहीं। तो इसलिए क्या है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और प्रोटेक्शन नहीं है तो नेगेटिव एंटिटीज इस तरीके से अटैक कर रही हैं। तो हर चीज़ का ना अपना एक समय होता है, और जब वो समय होगा तो आप देखोगे कि ज्ञान बहुत होगा उस टाइम पीरियड में, बैलेंस होगा, पीस होगा, हर चीज़ होगी। और उस समय जब आप उस कार्य को करोगे तो प्रोटेक्शन भी होगी। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, कहते हैं कि हम पे अटैक हो रहे हैं, हम अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, हम पे अटैक हो रहे हैं। कैसे हो जाएंगे अटैक? अगर आप अपने पर्पस पे पहुंच गए हो तो कैसे हो जाएंगे अटैक, क्योंकि आपके पास तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए पूरी तरीके से, है ना। सो बस ये था मेरा वीडियो, कि जितने भी लोग सोल पर्पस पर जब पहुंचते हैं तो हायर एनर्जीज जो हैं उनको प्रोटेक्शन देती हैं। अभी आप जिस लेवल पे हो डार्कनेस के फेस में, कई लोग जो हैं अभी, उनको जो आजू बाजू नंबर्स दिखाई देते हैं वो प्रोटेक्शन नहीं है, वो सिर्फ उनको सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, वो सिर्फ उनको दिख रहा है कि हमारे आसपास कुछ और एनर्जीज भी हैं जिनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो सिर्फ ये है। लेकिन जब वो अपने कार्य पर पहुंचेंगे, जब वो डार्कनेस से लाइट में पहुंचेंगे, तब उनको वो प्रोटेक्शन मिलेगी और वो अच्छे से अपने कार्य को कर पाएंगे। मैं बड़े सारे लोगों, पहले मैं डार्कनेस वाले फेस में जब किसी दो चार लोगों से भी बात करती थी तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी उनकी एनर्जी पिकअप होती थी, बड़ा कष्ट होता था, शरीर के अलग अलग जगह पे दर्द होने शुरू हो जाते थे। अब नहीं होता, पता नहीं 100-150 लोगों का कर दिया, अब नहीं होता टच छूट, अब नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रोटेक्शन है। सो सोल पर्पज की तरफ झपट्टा नहीं मारना या हड़बड़ाहट नहीं करनी, अभी जिस फेस में उस फेस को अच्छे से हैंडल करना है और उस चीज अपने पे काम करना, बेसिकली कोई दूसरों पे काम नहीं करना, अपने पे ही काम करना है। और जैसे ही आपने अपने काम किया, आप देखोगे कि आप डार्कनेस से ऊपर उठोगे, और जब आप ऊपर उठोगे तो आपको अपने आप यूनिवर्स पहुंचा देगा उस काम पे, आपके पास अपने आप आएंगे वो लोग जिनके लिए यूनिवर्स ने आपको प्लान किया था। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो रचा गया है जिस कार्य तक पहुंचाने के लिए, आप जब उस कार्य पे चले जाओगे तो आप देखोगे कि अपने आप आएंगे वो लोग जिन्होंने आपके थ्रू हील होना है, ठीक होना है। ठीक है, तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।